जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। बागीरा और बलू अपने कर्तव्य दिखाए, ये है जंगल बुक, यही है जंगल बुक, जंगल बुक, यही है जंगल बुक। मोगली फिर से लेट होगा। क्या कह रहे थे तुम? अब बोलो ना। फियोना जल्दी आओ, अकेला कुछ बोलना चाहता है। पर मैं सभी भेड़िये दोस्तों का स्वागत है। वक्त आ गया है जब हमें खाने के भंडार भरने हैं। तो क्या आप भैंसों का शिकार करने के लिए तैयार हो? हम दो झुंड में हमला करेंगे। एक झुंड की अगुवाई मैं खुद करूंगा और दूसरी टीम का लीडर होगा मोगली। आज पता चलेगा कि मोगली में कितनी काबिलियत है। पर मैं इससे बड़ा हूँ और मैं यहाँ का लीडर हूँ। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा, वादा करता हूँ। मोगली का झुंड सबके लिए खाना जरूर इकट्ठा करेगा। अगर तुम शिकार से खाना नहीं ला पाए तो तुम्हें पता है ना अंजाम क्या होगा मोगली? पता है ना, मुझे फिर खाना नहीं मिलेगा। तुम्हें उसके बाद कभी भी झुंड का लीडर नहीं बनाया जाएगा। मोगली, तुम्हारे झुंड में होंगे लाली, बाला और फियोना। ये तीनों तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे, इसलिए होशियारी और प्यार से काम करना। जरूर। मोगली का झुंड सबसे ज्यादा और टेस्टी खाना लाएगा। मेरे बिना कुछ नहीं कर पाओगे। तुम ये जानते हो ना कि हमें कहाँ ले जा रहे हो? हाँ, मुझे पता है। शायद मोगली, हाँ? जल्दी चलो, लाली को एक भैंसे की बू आ गई है। कहा था ना, अपने लीडर पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा फियोना। चलो धीरे धीरे पढ़ो। एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने ऑर्डर्स खुद भी माने। अफसोस। अकेला, भैंसों को भनक लग गई है। कमाल है दारुका, और सामने ही है हमारे पिछले मौसम का दुश्मन। हम सभी को इसी की तो तलाश थी, है ना? एक भूरा भैंसा हमारे इस जंगल में आज तक का सबसे बड़ा शातिर और सबसे खतरनाक भैंसा। इसे हराने के लिए पूरे झुंड की जरूरत पड़ेगी। हम जितने हैं काफी हैं। जल्दी आओ, इस बार उसे दबोच लेते हैं, कहीं वो फिर से ना भाग जाए। अगर मोगली और उसके झुंड को वो सफेद भैंसा मिल गया तो? अरे नहीं, तुम ऐसा सोचो भी मत रक्षा। समझ नहीं आ रहा, तुम सबको भैंसे की बू आ रही है पर मुझे तो उनके पैरों के निशान ही नहीं दिख रहे। शायद तुम उतने अच्छे खोजी नहीं हो जितना तुम खुद को समझते हो ना। देखो वो रहा। अब सबसे हमला कराने का काम तो झुंड के लीडर का ही होगा, है ना? क्या हुआ, पहले कभी कछुओं को खुजाते नहीं देखा? अरे नहीं, वो बस मुझे सिंघों को देखकर लगा कोई भैंसा है। वाह, क्या शिकार ढूंढा है, दो बूढ़े कछुए, बहुत अच्छे। कोई बात नहीं मोगली। ओ, जब मुझे ताजा पैरों के निशान नहीं दिखे थे मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। हमें एक प्लान की जरूरत है। वो भी तुम्हें ही बनाना पड़ेगा ना। मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। मेरे पीछे आओ, हम और ऊपरी इलाके में जाएंगे जहाँ से हमें भैंसे दिखेंगे। हाँ,
वाह क्या नजारा है, पर अफसोस एक भी भैंसे नजर नहीं आ रहे। इसी रास्ते से हम सबसे ऊंची जगह तक पहुंच सकते हैं। हम इसके ऊपर नहीं जा सकते मोगली। जाना तो होगा वरना हमें शिकार नहीं मिलेगा। आराम से जाना मोगली, अगर मोगली वापस नहीं आया तो फियोना हमारा लीडर बन जाएगा। मैं पहुंच गया, अब बस भैंसों को ढूंढना है। मुझे देख गए, वो सब नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अभी निकलेंगे तभी वो भैंसा हमारे बाद वहां पहुंचेगा। बस यही तो जानना था मुझे। फियोना, तुमने ये जानबूझकर किया। खामोश, अपने नए लीडर से बात करने की तमीज नहीं तुम्हें? क्या नया लीडर? जो भी काम तुमने छोड़ा है, बड़े भैया होने के नाते अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसे पूरा करूं। लीडर फियोना के साथ चलो दोस्तों अभी। उसे तीनों तरफ से घेर लो, वो नहीं बच पाएगा। बाला, तुम उन पत्थरों के पीछे छुपो। लाली, तुम उन झाड़ियों के पीछे छुपो। हम छुपे? पर हम तो यहाँ पर शिकार करने आए हैं ना। जब तक मैं उन भैंसों को इस घाटी की तरफ नहीं लाता, तुम दोनों छुपे रहना। तैयार रहना, मेरा इशारा सुनते ही उनका रास्ता रोकना। काम बहुत आसान है, जरूर होना चाहिए। काश मोगली ही हमारा लीडर होता। वक्त आ गया है खुद को एक असली झुंड के लीडर साबित करने का। लाली, बाला, भागो भागो। ज्यादा हिलना डुलना मत दोस्तों। शिकार किया गया खाना सर्दियों के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। तुमने वाकई कमाल का काम किया मोगली। हमने मिलकर काम किया, हमारा झुंड बहुत अच्छा था। पर तुम सबसे अच्छे लीडर हो। फियोना, तुम बड़े शांत हो, तुमने कुछ किया भी या नहीं? हाँ किया ना, अगर फियोना मुझे उस पहाड़ी में नहीं फंसाता तो हम ये भैंसा नहीं पकड़ पाते। और इसने हमें घाटी में भी गलत जगह दौड़ाया। और तो और उसने हमें मुसीबत में भी डाला। ये तो मदद जैसा नहीं लगता फियोना। मोगली के झुंड ने तो कमाल कर दिया। हाँ, और साथ ही मोगली लीडर ने भी।